आज हम लेकर आए स्वीट डिश की रेसिपी, ये व्रत में बनाकर खा सकते हैं और अब बिना व्रत के भी बनाकर इसे खा सकते हैं। खाने में ये बहुत टेस्टी और हेल्दी होते हैं। करना क्या है, हमें थोड़े से लेने मछली के दाने, इन्हें भून लेना है, और थोड़े से लेंगे मखाने, इन्हें भून लेंगे अलग अलग, इन्हें हमें रोस्ट कर लेना है। आप जितने बनाना चाहें उतनी क्वांटिटी में ये ले सकते हैं। मैं थोड़े बना रही हूँ तो इसमें थोड़ा थोड़ा चीज़ें ली हैं, और ये हमने सूखा वाला गोला लिया है थोड़ा सा। इसे आप चाहें तो बारीक कद्दूकस भी कर सकते हैं, और चाहे मिक्सी जार में भी आप इसे पीस कर डाल सकते हैं। ये मैंने मिक्सी जार में इसे पीसा है और इसमें हम इसे भी डाल देंगे। और इसे ना गोला नारियल के लिए भी हम अच्छी तरह थोड़ी देर के लिए भूंज लेंगे, और इसके बाद हमें इसे ठंडा करना है। और इसी पैन में हम डालेंगे देसी घी। आप इन लड्डू को व्रत में बनाकर खा सकते हैं और ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। एक बार फ्रेंड आप ज़रूर ट्राई करें, वो बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच देसी घी। ये आप देसी घी में ही बनाएं, जब भी टेस्टी बनेंगे खाने में। और अब डालेंगे हम 2 चम्मच सिंगाड़े का आटा। आप इसकी जगह कूटू का आटा भी डाल सकते हैं, लेकिन आप सिंगाड़े के आटे में बनाएं तो ज़्यादा अच्छे रहेंगे। और इसे भी हम थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। इसे हमें थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए जब तक भूनेंगे, गोल्डन ब्राउन कलर तक भूनना है इसे। और इस समय आप थोड़ा सा इसमें देसी घी और भी डाल सकते हैं अगर आपको कम है लग रहा है तो इसमें। और साथ ही हमने ये सारी मखाने और मूंगफली के दाने रोस्ट करके रखे थे वो भी इन्हें पीस लेंगे। ये ठंडे हो चुके हैं, ज़्यादा बारीक नहीं, एक दरदरा पाउडर बना के तैयार करेंगे। और ये सिंगाड़े का आटा भी भुन गया, इतना ही हमें इसका कलर रखना है। और गैस को कर देना ऑफ। और अब इसमें ये सारा जो हमने पीसा है, तैयार किया है मखाने मूंगफली, इसमें मिला देंगे सूखा हुआ गोला। और ये हम सारी चीज़ों को अच्छी तरह एक बार मिक्स करेंगे। और अब लेनी है हमें इसमें मीठा के लिए, आप चीनी या धागे वाली मिश्री का यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने धागे वाली मिश्री ली है, और इसको हम मिक्सी जार में डालकर इसका पाउडर बना लेंगे। आप चाहें तो चीनी भी पीस के डाल सकते हैं, मीठा आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अगर कम पसंद है थोड़ा कम डालें। और ये हमने थोड़ा सा इलायची पाउडर डाला है, इससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है खाने में। और अब ये धागे वाली जो हमने मिश्री पीसी है, इसे हम डाल देंगे इसमें, और अच्छी तरह एक बार फिर से मिलाएंगे। आप इस समय थोड़ा सा इसमें घी या दूध का यूज़ कर सकते हैं, या आपको थोड़ा ड्राई लग रहा है तो इस समय। और इसके आप चाहें तो बर्फ़ी जमा सकते हैं, और चाहें इसके लड्डू बना के तैयार कर सकते हैं, जो आपको खाने में पसंद हो। मैंने इसमें थोड़ा सा इसमें दूध डाला है, 2 बड़े चम्मच। अगर आप ज़्यादा दिन के लिए स्टोर करके रखना चाहते हैं तो आप इसमें देसी घी डालें। और ये अच्छी तरह इसकी वाइंडिंग हो जाएगी, और लड्डू आप बना के तैयार कर सकते हैं। थोड़ा इसे ठंडा होने दें, इससे कि आप इसे टच कर सकें। इतनी देरी हमें ठंडा करना है, बिल्कुल ठंडा नहीं करना है। पूरा ठंडा कर लेंगे तो ये हम लड्डू की शेप नहीं दे पाएंगे। बस ये काफ़ी हद तक ठंडा हो चुका है, और इसे हम लड्डू बना के तैयार करेंगे। आप चाहें तो इस समय इसकी बर्फी भी जमा के तैयार कर सकते हैं, और छोटे या बड़े आप जैसे भी आकार में रखना चाहते हैं उस तरीके के आप लड्डू बना के तैयार कर लें। आपने देखा इतने थोड़े से में 8 लड्डू बन के तैयार हुए हैं, और हमने इसे बादाम के टुकड़ों से इसे गार्निश किया है। आप चाहें तो इस पर काजू या पिस्ता कुछ भी लगा सकते हैं फ्रेंड, और ये लड्डू खाने बहुत टेस्टी बनते हैं। एक बार जरूर ट्राई करें। थैंक यू।